जैन साथियों, सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवाओं से हम कहना चाहेंगे कि अब उन्हें अपनी तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। जो युवा अभी तक सेना भर्ती की तैयारियां सेना भर्ती नहीं होने से बंद करके बैठे थे, तो ऐसे उन तमाम युवाओं से हम फिर से कहना चाहेंगे कि अब आप अपनी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि हमें सूत्रों से ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अब देश में सेना भर्ती जल्द ही शुरू होने वाली है। जैसे ही हमारे सूत्रों से मिलने वाली इस जानकारी पर आधिकारिक तौर पर मोहर लगती है, तो हम आपको देश में होने वाली उन तमाम सेना भर्ती रैलियों के बारे में जानकारी देंगे। जब हमने सूत्रों से मिलने वाली जानकारी के बारे में आर्मी के एक्स ऑफिसरों से बात की, तो उन्होंने भी यही संकेत दिए हैं कि देश में अधिक समय के लिए सेना भर्ती पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि सेना से हर साल रिटायर होने वाले जवान व ऑफिसरों के पदों को भरना बेहद आवश्यक होता है। इसके अलावा यदि बात करें कोरोना की, तो क्या कोरोना का खतरा सिर्फ सेना भर्तियों के लिए ही है? अन्य सभी कार्य तो किए जा रहे हैं, इसलिए सरकारें कोरोना का रोना अब ज्यादा समय तक नहीं रो सकती, उन्हें सेना भर्ती कराने के लिए अनुमति देनी ही होगी। तो साथियों, यह कहना है उन जानकारों का, उनका मानना है कि सेना भर्तियां अब शुरू की जाएंगी, ताकि जो युवा सालों से सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सेना में जाने का जो उनका सपना है उसे पूरा करने का मौका मिल सके, उन्हें सेना में जाने का अवसर सही समय पर मिलना चाहिए। साथियों, वैसे इन सभी बातों को देखा जाए तो ऐसी संभावनाएं हैं कि अब सेना भर्ती शुरू होने वाली है, क्योंकि यह तो आपको भी पता है कि जो सेना भर्ती अटकी हुई थी उनकी परीक्षा करवाकर उनके परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं, और कुछ सेंटरों से तो सेना में चयनित होने वाले युवाओं को ट्रेनिंग पर भी भेज दिया गया है, और जिन सेंटरों पर अभी युवा ट्रेनिंग पर नहीं गए हैं उन सेंटरों पर सेना में चयनित होने वाले युवाओं का पुलिस वेरिफिकेशन का कार्य किया जा रहा है। जैसे ही यह पुलिस वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होती है, तो इसके बाद में इन तमाम सेंटरों पे जो सेना भर्ती में चयनित हुए हैं युवा, उनको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। इधर बात करें पंजाब के लुधियाना एआरओ के तहत 7 दिसंबर से होने वाली सेना भर्ती के बारे में, तो इस भर्ती के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन और सेना के ऑफिसर मीटिंग करके कोरोना गाइडलाइन की पालना, सेना भर्ती के दौरान युवाओं की सुरक्षा व सेना भर्ती की अन्य तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एक मीटिंग करने वाले हैं, और जिसमें उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार की जाएगी। साथियों, जैसे ही हमें इस बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी तो हम आपको इससे जरूर अवगत कराएंगे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से ही जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।